नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभय खरे। आज आप लोग को बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। क्लास नाइन्थ के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे चैनल पर, मेरा चैनल नेम है टैलेंट एकेडमी पॉइंट। क्लास नाइन्थ में मैं मैथमेटिक्स टॉपिक लेके आया हूँ। क्या लेके आया मैथमेटिक्स टॉपिक में? एंगल ऑफ क्वाड्रेटर। क्वाड्रेटर में आप लोग को जो बहुत बच्चे होते हैं जो क्वाड्रेटर को अच्छे से समझ नहीं पाते, वो मतलब कि हर प्रकार की वीडियो देख लेते हैं फिर भी नहीं समझ पाते हैं। और अगर आप क्वाड्रेटर आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप कोचिंग पढ़ रहे हो उसमें वहाँ पर चल रहा है, या फिर ट्रायंगल चल रहा है, या फिर उस वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, या फिर वहाँ पर कोई अदर चैप्टर चल रहा है, वो आपको पढ़ना है ओनली एंगल्स ऑफ क्वाड्रेटर। तो उसके लिए आपको टैलेंट एकेडमी पॉइंट चैनल आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो हम यह टर्म नहीं लेते हुए शुरुआत करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे। ओके, इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल्स ऑफ क्वाड्रेटर आर इन द रेशियो 3:5:9:13। तो लिखेंगे, Let the angles of a quadrilateral are in the ratio 3:5:9:13। तो यानी कि रेशियो क्या कौन से हैं? यहाँ पर रेशियो 3 है, रेशियो 5 है, रेशियो 9 है, रेशियो कितना है 13 है। तो इनको हमें सॉल्व करना है। तो रेशियो है 3:5:9:13। तो इनको सॉल्व करेंगे फिर जो आंसर आएगा तो वो आंसर कहलाएगा। उससे पहले आप लोग को ये चीज़ वहाँ पर यहाँ पर ध्यान रखनी है, अपन लोग एकदम पढ़ते हैं एंगल से, तो एस अपन लेट एस भी कर लेते हैं। एंगल ऑफ क्वाड्रेटर आर तो कितना जाएगा 3x:5x:9x:13x। ओके, ऐसा जाएगा। देखिए अंदर x से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, आगे देखिए। तो अब इतना हो गया। अब क्या कम करते हैं कि जो 3x है, 5x है, 9x है, 13x है, ये है क्या? ये क्या है? जो ये हो, जी लाइन कौन सी है? जी लाइन है 180, है ना? जी यहाँ से एंगल जो ये होगा 90 होगा, है ना? ये एंगल कितना होगा? 90 होगा। और जी एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? जी होगा 180। और यहाँ से जो एंगल जी भी तो है, जी भी 180 होगा। तो इन दोनों को क्या कर दिया? प्लस कर देंगे इन दोनों को। इसको तो प्लस कर दिया, कितना जाएगा? 360 डिग्री, है ना? और जी एंगल कितना था? 90 डिग्री। तो इस डायग्राम के अनुसार आपको बताया जाएगा यहाँ पर। तो एक बार पढ़ते हैं, आप देखते हैं। ऑन एडिंग ऑन एडिंग लिखकर यहाँ पर सॉल्व कर देंगे 3x
प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल टू कितना होगा 360 डिग्री। एनी प्रॉब्लम? कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो यहाँ के देखेंगे, फिर इनको प्लस करते हैं, 3 प्लस 5 कितने होंगे 8, 8 प्लस 9 कितने होंगे 15, ओ सॉरी 17 होंगे, ओके 3 और 5 कितने होंगे 8, 8 और 9 कितने होंगे 17, 17 और 13 कितने होंगे 30x प्लस 30 प्लस नहीं इक्वल टू 360 डिग्री। एस इक्वल टू निकालना है, लिख देंगे एस इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में कितना है जी 30 का अपॉन जाएगा इसके अपॉन में जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और 3 3 10 जा 30, 3 11 जा 33, 3 12 जा 36। तो यहाँ पर लिख देंगे 12, कैसे 3 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे, यहाँ पर देखिए साइड में, यहाँ पर ऐसे 3 है 12 में, 12 का मल्टीप्लाई 3 में करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 36 आ गया ना, 3 का मल्टीप्लाई 12 में किया 36 आ गया। तो इसी तरह यहाँ पर कितना जाएगा एस इक्वल टू 12। अब यहां देखिए जो s का मान आया है इस s को हम यहां लिख देते हैं, अगर कोई दिख नहीं ना हो तो कितना s इक्वल टू कितना आया है 12 आया है। अब यहां देखिए जो s इक्वल टू 12 आ चुका है तो उसको आगे और करेंगे तो हम आपको यहां पर लिख देते हैं एंगल कितनी थी 3, यहां पर देखिए 3s था इक्वल टू 3 यहां पर है और s कितना है 12 है, 3 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे कितना आएगा बोलो, एक मिनट नीचे करते हैं ऊपर देख लिया, 3s इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 12। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई 12 कितने होंगे 3 2 या कितने होंगे 6 है ना, और 3 1 या 3 36। नेक्स्ट 5x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 12 12 5 जा 60। नेक्स्ट 9x 9 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 12 10 जा 120 और 12 9 जा 108 डिग्री में आ रहा है आंसर। एंगल निकाल ले बल्लू के, देखिए क्या निकाल ले बल्लू, एंगल निकाल ले डिग्री में आएंगे आंसर। और लास्ट 13 है, 13x इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई s की वैल्यू कितनी है 12 है, कितना है मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12 12 जा 144 और 12 13 जा कितना होगा बोलो 156। तो ये इसका आंसर आ गया, यानी कि 3s का आंसर कितना था 36 डिग्री, 5s का आंसर कितना था 60 डिग्री, 9s का आंसर कितना था 108 डिग्री, 13s का आंसर कितना था 156 डिग्री। और यहाँ पे s इक्वल टू ये पता है तो कुल आंसर कितना हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे आंसर टोटल आंसर कितना, फाइनल आंसर क्या होगा 36 डिग्री कॉमा 60 डिग्री
कॉमा 108 डिग्री कॉमा 156 डिग्री कॉमा 360 डिग्री, ये होगा फाइनल। तो ये स्टेप कब करनी है पूरा, इस ऐसे वो 12 लिखने के बाद आपको यहाँ पे जगह नहीं थी आगे लिखनी याद आना, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। ओके, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, तभी तो आप लोग को ऐसी वीडियो आगे आपको और मिलती रहेंगी। और आप लोग को इससे इससे बेस्ट वीडियो चाहिए हो तो आप लोग कमेंट करिए, हम उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाएंगे। ओके, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन सेकेंड, सो डैट द डायगोनल्स ऑफ आर रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आप लोग को एक ऐसा डायगोनल बनाना है जो रोम्बस भी है और रोम्बस आर परपेंडिकुलर। कैसा, ऐसा डायगोनल बना लिया आपने, ऐसे क्या बनेगी? ठीक है, इसे मान लिया ए, इसे मान लेंगे अपन बी, इसे मान लेंगे सी, इसे मान लेंगे टी। यहां से लाइन खींचेंगे, यहां से लाइन खींचेंगे। ओके, तो ये क्या होगी, डायगोनल्स हो जाएंगी। ओके, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, तो यहां लिखेंगे लेट, पहले देखिए, सो डेट द डायगोनल्स आर रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहां पर रोम्बस है तो लिखेंगे अपन लोग कंसीडर अ रोम्बस आर ए बी सी डी, कंसिडर आर रोम्बस आर ए बी सी डी। ओके, यानी कि कंसिडर आर रोम्बस क्या है, आर ए बी सी डी है। ओके, अब आगे देखिए, जिस साइड लेंगी तो लेट अस लिखेंगे आगे एंड रोम्बस आर साइड ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी डी कॉमा डी ए, ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी डी कॉमा डी ए, ये क्या है आपकी साइड हो गई है। ओके, तो आगे देखिए, तो इसी तरह अपन सॉल्व करेंगे। तो अभी उनकी साइड मिल गई है कि रोम्बस आर साइड ए बी मिल गई है, बी सी मिल गई है, सी डी मिल गई, डी मिल गई है ना। तो अपन को दो ट्रायंगल लेने हैं, यहाँ पर कौन कौन से लेने, देखिए इसे मानिए पढ़ लो ओ, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी है ना। तो अपन को दो ट्रायंगल कौन कौन से ले लेंगे अपन, यहाँ पर ऐसे ट्रायंगल ले रहे हैं जो क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो रहे हैं, ऐसे के बनो दो ट्रायंगल ले लिए ए ओ डी या सी ओ डी या बी ओ सी या बी ओ ए, इनमें से कोई ट्रायंगल ले ली अपन ने। तो इन ट्रायंगल ए ओ सी सॉरी ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ए ओ डी ट्रायंगल सी ओ डी, अपन ने क्या लिए, दो ट्रायंगल ले लिए। कौन सा ट्रायंगल ले लिए, ट्रायंगल ए ओ डी ट्रायंगल सी ओ डी।
आपको इसमें बताना है कि डायग्नोसिस ऑफ अ पैलोग्राम क्या है। ए ओ डी में और सी ओ डी में जो स्ट्रेट लाइन होती है वो कहलाएगी बाइसेक्टर ऑफ ईच साइड डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस लाइन कहलाएगी, इसके बाइसेक्टर ऑफ ईच साइड क्या होंगे, ओ ए ओ सी लिखेंगे, ओ ए इक्वल टू ओ सी। परपेंडिकुलर डायग्नोसिस ऑफ परपेंडिकुलर है ना, या परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल कर दो, देखो क्यों क्या डायग्नोसिस देखो ऐसा समझो, ओ ए क्या है, ओ ए इक्वल टू ओ सी, ये क्या होगी डायग्नोसिस से बाइसेक्ट टू इचर कर रही है, क्या कर रही है बाइसेक्ट टू इचर कर रही है। तो यहां देखिए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर, ओके। अब यहां पर देखिए क्या होगा, ओ इक्वल टू क्या होगी, ओ सी डायग्नोसिस ऑफ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट टू ईच अदर। और यहां देखिए जी एंगल बनना है ए ओ डी, तो ओ डी क्या हुआ कॉमन, इसमें ये है सी ओ डी, यानी कि जी एंगल में ओ डी और जी एंगल में ओ डी क्या है कॉमन है, लिख देंगे ओ डी इक्वल टू ओ डी, लिख देंगे यहां पर कॉमन, कैसे कॉमन देखिए ए ओ डी सी ओ डी क्या आ रहे बीच में, क्या आ रहे बताइए कॉमन आ रहे ना, कॉमन लिखेंगे ना क्यों ये बीच में लाइन है ना, अब देखिए दो एंगल बन चुके हैं ना, अब तीसरा एंगल क्या बनेगा ए डी इसका है ना इसी और सी डी इसका है, यानी कि जो ट्रायंगल है जो रोमबस बना हुआ है रोमबस उसकी जो बाहर की साइड होगी यदि ए बी बी सी सी डी ए डी, तो इस ट्रायंगल की बाहर की साइड क्या होगी एडी इक्वल टू डीसी, क्या होगी इक्वल होगी, क्या होगी एडी इक्वल टू डीसी, या एंगल अपन ऐसे ले रहे हैं ना, तो डीसी या पे एडी इक्वल टू डीसी ले लो या पे एडी इक्वल टू सीडी ले लो, जैसे आपको ऐसे और में ले लो सीडी जो इस लगे तो एक कम करते हैं बल्लू सीढ़ी ले लेते हैं, ओके। तो यहां था आप लोगों का क्वेश्चन, दो एंगल बनने थे यहां पर देखिए, तो ट्रायंगल ए ओ डी सिमिलर इक्वल टू ट्रायंगल सी ओ डी बाय एस एस रूल, बाय एस एस रूल, ओके। यानी कि जो ट्रायंगल बन रहे हैं वो किस बन रहे हैं बाय एस एस रूल्स के द्वारा, इतने क्लियर हो गए हैं। तो अपन आगे देखेंगे एस एस रूल प्रूफ हो गया है ना, अब देखेंगे पहले एंगल, एंगल कैसे देखिए, तो एंगल अब ये ट्रायंगल हुआ है, ट्रायंगल यानी कि दो सिमिलर इक्वल टू बाय एस एस रूल से प्रूफ हो गए, अब एंगल देखते हैं एंगल प्रूफ हो रहे हैं, ए ओ डी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, सी पी सी टी शॉर्ट फॉर्म क्रॉस पॉन्डिंग क्रॉस ट्राइंगल एंगल से
इक्वल हो रहे हैं। अब यह क्या कर देंगे, एंगल जो AOD है, एंगल AOD और एंगल COD इक्वल हो रहा है किससे, CPCT रूल से। तो अब क्या कर देंगे, इनको इक्वल कर देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, AOD प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, आप यहाँ देखिए AOD COD है। अभी क्या करते हैं, अपने मन से यहाँ लेट कर लेंगे, माना कि AOD एक COD इक्वल टू एंगल AOD, ये लेट कर लिए अपन ने, तो यहाँ लिखेंगे 2 एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि AOD एंगल पहले से दिया गया है और एंगल COD जगह AOD लिया है, तो यहाँ इस तरह लिख दिया अपन AOD, और एंगल AOD प्लस एंगल AOD 2 AOD एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, एंगल AOD इक्वल टू क्या जाएगा बताइए, नीचे दिख नहीं रहा है, यहां देखिए जो 2 AOD एंगल है ना, तो एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2 इक्वल टू 90 डिग्री। कैसा, एंगल AOD जी लिख दिया, 2 180 डिग्री की अपॉन में आ गया, अपॉन में डिवाइड है, ये डिग्री है, ये क्या है डिवाइडर, फिर 2 लिख दिया, ठीक है, और इक्वल टू 90 डिग्री। तो प्रूफ हो गया ये एंगल, यानी कि एंगल AOD इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूफ हो गया, यानी कि जी एंगल 90 डिग्री है, 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 तो एंगल प्रूफ हो गया। इसलिए आप लोग को डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, तो एस फ्रेंड्स, आप लोग इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो, हमारे चैनल में ऑल लेवल की वीडियो डाली जाती है, आती है उसमें, तो आप लोग अपनी क्लास कमेंट कीजिए और टॉपिक कमेंट कीजिए, आपको वीडियो जरूर भेजाएगी। थैंक यू।